हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के ओरिजिनल प्रश्न पत्र को यहां पे हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी भाषा के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के आएंगे। तो आज के हम इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे, जो ये एक ओरिजिनल पेपर है जो 2022 में आया हुआ है। ठीक इसी तरह का प्रश्न 17 मार्च 2024 को भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के 25 क्वेश्चन। हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में संयुक्ति व्यंजन का प्रयोग हुआ है। संयुक्ति व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो छ बना होता है आधा क और श से, त्र बना होता है आधा त और र से, ज्ञ बना होता है आधा ज और यू से, वहीं पे त्र बना होता है, स्र बना होता है यहाँ पे आधा स और र से। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जहां पर छ, त्र, ज्ञ और स्र आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन में छत्रप, छत्रप पे क्या आया है त्र। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा संयुक्त व्यंजन। अगला है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। पावन का संधि विच्छेद होगा यहाँ पर पौधन अन। अब पौ में क्या है, पौ में आएगा ओ और अन में आएगा प्लस ओ, ओ और अ से मिलकर बनेगा औ। तो औ क्या होता है यहाँ पे अयादि संधि होती है, अयादि संधि। तो पावन का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा पौधन अन। तो यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं। हम व्यंजन का मेल कराएंगे व्यंजन से या व्यंजन का मेल कराएंगे हम यहाँ पे स्वर से, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पे व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे है वागीस, वागीस, वागीस का संधि विच्छेद करेंगे इसका हो जाएगा वाग धन ईस। तो इसमें क है व्यंजन और ई है यहाँ पे स्वर। ऐसे हम लेंगे उल्लास, उल्लास को हम लेंगे तो इसका संधि विच्छेद है उत धन लास। तो यहां पर आ जाएगा त और ल। तो ये हो जाएगा व्यंजन का मेल हो रहा है यहाँ पर स्वर से, यहाँ पर व्यंजन का मेल हो रहा है यहाँ पे व्यंजन से। तो व्यंजन का स्वर से या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम यहाँ पे कहेंगे व्यंजन संधि। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर दुर्दशा शब्द दिया गया है, तो दुर्दशा का शुद्ध रूप यहाँ पर है ऑप्शन डी, दुर्दशा। अगला प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, किस वाक्य में विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे विस्मयादि चिन्ह क्या होते हैं। विस्मयादि चिन्ह वे होते हैं जिन वाक्यों में किसी विशेष शब्द के द्वारा भाव व्यक्त करते हैं, और विस्मयादि चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है। अब विस्मयादि क्या होगा, कौन से भाव, जैसे अरे, अरे, अरे के पीछे विस्मयादि चिन्ह लगाएंगे। फिर अगला होगा यहाँ पे काश, काश, काश के पीछे विस्मयादि चिन्ह हम ये लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कौन से वाक्य में विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी देखेंगे, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो वाह के पीछे जो है विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, तो विशेषण। अब हम देखेंगे विशेषण हम किसे कहते हैं। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है हम उसे कहते हैं विशेषण। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, राम तेज दौड़ता है, तो तेज यहाँ पर उसकी क्या है, विशेषता है। रवि कवि अच्छा लिखता है, तो कवि कैसा लिखता है, अच्छा, तो अच्छा उसकी यहाँ पर विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है। अब हिमालय से गंगा निकलती है अर्थात गंगा किससे अलग हो रही है, हिमालय से। तो हम देखेंगे जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है तो उन्हें कहते हैं अपादान कारक। तो यहाँ पर क्या है, गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है। अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे अपादान कारक से, जैसे जेब से पैसे गिर गए, तो पैसे कहाँ से गिरे, जेब से, जेब से पैसे अलग हो गए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता किससे अलग हो गया, पेड़ से। तो ये सब अपादान कारक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायक यहाँ पर पुल्लिंग है, नायक का स्त्रीलिंग होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नायिका।
क्वेश्चन नंबर 9th है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वे होती है जहां पर क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है, तो हम उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसकी एक ट्रिक भी है, जहां पे सकर्मक क्रिया पे जहां पर क्या और किसको का यूज करने से हमें उत्तर मिलेगा, वहां पे हम उत्तर मिलेगा तो उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। अगर क्या और किसको का यूज करने से आंसर हमें नहीं मिल रहा है तो वो होगा अकर्मक। अब देखो क्या और किस, ऑप्शन डी में देखते हैं। जैसे मैं घड़ा भरता हूं, तो मैं क्या भरता हूं, तो घड़ा, तो यहाँ पे हमें क्या का उत्तर मिल गया, तो क्या का उत्तर मिल गया तो वो हो गया सकर्मक। अगर नहीं मिलता तो ये क्रिया हो जाती अकर्मक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 10th, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम जिस वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है हम उसे कहेंगे कर्म, अर्थात क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। तो कर्म, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रकार होता है सकर्मक, अगला प्रकार होता है इसमें अकर्मक, अर्थात सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो 10th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यह है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से प्राणी के गुण दोष भाव का पता चलता है, उन्हें हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो हम कुछ भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ पर लेंगे, जैसे बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा को हमें बताते हैं, मित्रता। तो भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन ए मित्रता, अर्थात मित्रता हमें किसी प्राणी के गुण भाव को बताता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12th है, यहाँ पर तत्सम शब्द बताइए। अब हमें यह पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें हम यहाँ पर कहेंगे तत्सम शब्द। अब हम ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए है आग, आग यहाँ पर तद्भव शब्द है, तो आग का यहाँ पर तत्सम होगा अग्नि। अगला ऑप्शन देखेंगे मोर, मोर का तत्सम यहाँ पर होगा मयूर। नव, नव यहाँ पर है तत्सम शब्द, तो 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव, नव का जो है तद्भव हमारा हो जाएगा यहाँ पे नया। चार यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द है, तो चार का तत्सम हो जाएगा चतवारी। तो एक ही प्रश्न से हमारे चार चार प्रश्न हमें नए मिलकर बन के तैयार होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा विग्रह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तो तत्पुरुष समास वे होते हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। अब हम यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे बल से हीन, बलहीन, तो यहाँ पर हो जाएगा हीन शब्द, हीन शब्द जो है उत्तर, उत्तर पद है, तो यहाँ पर उत्तर पद क्या है, प्रधान है, उत्तर पद यहाँ पे प्रधान है, तो ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला लंबा है उधर जिसका, ये हो गया बहुव्रीहि समास का उदाहरण। पाप और पुण्य, जहां पर और शब्द बीच में आ जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास, बिना भाई के ये हो गया अव्ययी समास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि मतलब होता है आग, आग का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। हम ऑप्शन ए देखेंगे पावक, पावक अग्नि का पर्यायवाची होता है। अनिल, अनिल यहाँ पर होता है हवा का पर्यायवाची, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, हमें यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो अनिल यहाँ पर हवा का पर्यायवाची होता है, आग जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है, कृषाणु भी अग्नि का पर्यायवाची होता है, और इसका एक पर्यायवाची होता है अनल, अनल मतलब भी होता है आग, और ये है अनिल, अनिल जो है हवा का पर्यायवाची होता है, जो दोनों शब्द जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम 16th क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हमें यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे किरण का दिया है रश्मि, अगला ऑप्शन बी दिया है गेह, गेह का दिया है खर, अगला दिया है कपड़ा, कपड़ा का दिया है अंबर। अब कपड़ा है यहाँ पर है अंबर, अंबर मतलब होता है आकाश, तो यहाँ पर इसका ये मिलान अशुद्ध है, तो यहाँ पर हमें नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे गणेश का पुरंदर सही है। तो 16th का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन नहीं वाले पूछे गए हैं जो हम लोग एग्जाम में गलत करते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे आय, आय का विलोम होता है व्यय, जो कि सही है। अमृत का लिखा है यहाँ पर सुधा, अमृत का विलोम होता है यहाँ पर विष,
और हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमें नहीं वाला देखना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अमृत का विलोम होता है विष, न कि सुधा। धनी का होता है निर्धन, जो कि सही है। रात का होता है दिन, तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखेंगे 18 क्वेश्चन, एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अर्थात इसका हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, चतुर लोग एक ही जगह पर दो कार्य करते हैं, तो इसका हम देखेंगे ऑप्शन ए हम यहाँ पर सही है, मतलब एक पंथ दो काज का जो अर्थ है एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शाखा भाजी का भोजन करने वालों के लिए एक शब्द बताइए, तो जो शाकाहारी भोजन जो साग सब्जियां खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे शाकाहारी। मांसाहारी हम किसे कहेंगे, जो मांस का सेवन करता है। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा छूट गया था, 13वां क्वेश्चन है इसमें, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अब हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, उत्तम। उत्तम का जो है हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं क्वेश्चन पूछा है, तो नहीं वाले क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछे गए हैं, तो हम ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर हम उत्तम के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 13 का उत्तम। यही आगमन में आ धन गमन, आ उपसर्ग है। विज्ञान में वी धन ज्ञम, वी है, और गायक में गय धन अग, गय उपसर्ग है। अब आपको एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के अंतर्गत आपको 21 से 25 तक 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैसेज के अंतर्गत दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, पैसेज को हमें ध्यान पूर्वक रीड करना है। अब देखो हम पैसेज को पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पे पैसेज, किसी तालाब में क्या था, एक बातूनी कछुआ रहता था, और उसी तालाब में क्या रहते थे, दो हंस भी रहते थे, अब तीनों में क्या होगी, मित्रता होगी। तो एक बार क्या हुआ, वहां पे प्रचंड गर्मी पड़ गई, गर्मी के कारण अब क्या हो गया, तालाब का पानी सूख गया। अब हंस तो उड़ सकते थे, इसलिए वे तालाब के दूसरे ओर जाने के लिए तैयार हो गए, दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गए। कछुआ भी अब जाना तो चाहता था लेकिन वो उड़ नहीं सकता था, तो हंस दोनों हंसों ने प्लान बनाया कि वे अपनी चोंच से एक लकड़ी पकड़ेंगे और उस लकड़ी के सहारे वो कछुए को भी दूसरे तालाब के पास पे ले जाएंगे। तो हंस ने एक शर्त रखी, कछुए से बोला कि आप जो है बातू नहीं हो, तो आप जो है बीच में बोलोगे नहीं, अगर बोलोगे तो आप जो है गिर जाओगे और मर जाओगे। तो कछुए ने उस समय तो हाँ बोल दी, फिर दोनों हंस जो है एक लकड़ी को पकड़ के कछुए को अपने साथ ले गए। अब कछुआ जो है कुछ लोगों की बात सुनकर वो जो है कछुआ बोल पड़ा, और बोलने के कारण कछुआ के जो है नीचे गिर गया और अपने प्राण गंवा बैठा। तो इस कहानी से क्या मिलते हैं, क्या शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी फालतू बातों में न पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। तो अब हम प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न नंबर 21वां देखेंगे, तीन मित्र कौन कौन थे। अब यहाँ पर आंसर दिया गया है, पैसेज में आंसर छुपा है, तीन मित्र कौन थे, एक तो था बातूनी कछुआ और दो थे यहाँ पे हंस, तो एक और दो मिला के कितने हो गए, दो हंस और एक कछुआ। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, दूसरे तालाब में किसको लेकर जाना था। तो 22वां प्रश्न है, दूसरे तालाब में किसको ले जाने की समस्या थी। अब हम यहाँ पर पैसेज को देखेंगे, दूसरे तालाब में यहाँ पर देखो, दूसरे तालाब में किसको ले जाने की समस्या थी, कछुए को, क्योंकि कछुआ यहाँ पे उड़ नहीं सकता था। तो 22वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछुए को ले जाने की समस्या थी। अगला है यहाँ पे 23, तालाब का पानी क्यों सूख गया था। तो हम यहाँ पर पैसेज में इसका आंसर देखेंगे, तालाब का पानी यहाँ पर देखिए, एक बार प्रचंड गर्मी के कारण, तो गर्मी के कारण जो है तालाब का पानी जो है सूख गया था, तो यहाँ पर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हम देखेंगे 24 क्वेश्चन, हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर क्या कहा। पर पैसेज में हम देखेंगे, बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात करने मत लग जाना, तो इसका 24 का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने पैर पर कुल्हाड़ी स्वयं मारने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अपना नुकसान स्वयं करना। तो 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी।